हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है। कोरोना वीडियो में रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना की उपस्थिति में पिता का धन्यवाद करते हैं, जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा, जीवित रखा। मेरे प्रियजनों, पिता का धन्यवाद देंगे, जो यीशु मसीह हम सभी को शुभ दिखाता, रात दिखाता है, प्यारी सी मीठी सी रात दिखाई है यीशु मसीह ने। तो इसके लिए यीशु मसीह का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है, बड़ाई के योग्य, प्रशंसा के योग्य है। ठीक है, उसी ही के द्वारा हम सभी को जीवन मिला है, उद्धार मिला है, छुटकारा मिला है, अनंत काल का जीवन पिता ने हम सभी को दिया है। मेरे प्रियजनों, ठीक है, मेरे प्रियजन, यदि आप बीमार हैं, यदि आप बीमारी में ग्रस्त हैं, यदि हम तमाम इलाज दवाई करा चुके फिर भी आप नहीं चंगे हो पा रहे हैं, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज आपको किसी मनुष्य से नहीं बताना है, आज आपको जिंदा यहोवा जुला और परमेश्वर से बताने की आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे महामारी से और बहेलियों की जाल से बचाऊंगा, छुड़ाऊंगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह चंगाई देने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह से बताना है, हम किसी मनुष्य की सहायता नहीं लेना है। अपने जीवन में यीशु मसीह को बुलाना है, यीशु मसीह के नाम से अपने जीवन में उन बंधनों को तोड़ना है, जो श्रापित बंधन, जो हर तरह तरह के बंधन है, जो काला जादू टोना के बंधन है, यीशु मसीह के नाम से वे तोड़ना है। अपने मुँह से अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है यीशु मसीह के सामने। मेरे प्रियजनों, पश्चाताप नहीं तो क्षमा भी नहीं। मेरे प्रियजनों, यदि हम सभी से पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे प्रियजनों, तो आज आपको यीशु मसीह से बताना है। आज आपको घुटने के बल आकर यीशु मसीह से बताने की आवश्यकताएं हैं। यीशु मसीह हमारे पापों को हिमकना श्वेत करेगा, उजिला करेगा, बर्फ के समान व्हाइट करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, जो अपने अपराधों को छिपा के रखता है उसका कार्य कभी सफल नहीं होता है। जो अपने अपराधों को मान लेता है उसके ऊपर दया की जाएगी, उसके अपराधों को माफ किया जाएगा, क्षमा किया जाएगा। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, आपको यीशु मसीह से बताना है, अपने मुँह से अंगीकार करना है, पश्चाताप करना है, उन गुनाहों को यीशु मसीह के सामने मानना है, पश्चाताप करना है, अपने गुनाहों को, पापों को छिपाना नहीं है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह हमारी गरीबी को दूर करेगा। यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुम्हारे मांगने से पहले जानता हूँ तुम्हारी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरतें हैं। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह जानता है कि हम सभी को क्या चाहिए, हमारी सभी की क्या इच्छाएँ हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा है, यदि तुम मुझ में बने रहो, मेरा जीवित वचन तुम में बना रहे, तो जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं तुम्हारे लिए करूंगा। मेरे प्रियजनों, हम सभी को यीशु मसीह के नाम से मांगना है। यीशु मसीह उदारता से देने वाला परमेश्वर हो, परमेश्वर है। यीशु मसीह हम सभी के आंसुओं को पोछेगा, गरीबी को दूर करेगा परमेश्वर। ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है मेरे प्रियजनों, और हम सभी को इस अनंत जीवन को खोना नहीं है, पाप के द्वारा, व्यभिचार के द्वारा। मेरे प्रियजनों, चाहे जितना भी गंदा घिनौना पाप होता है, यीशु मसीह से बताना है। मेरे प्रियजनों, यदि आपके जीवन में शैतानी बंधन है, यदि आप तंगी से परेशान हैं, गरीबी से परेशान हैं, तो आज यीशु मसीह आपके जीवन में वो चेंजिंग लाएगा, बदलाव लाएगा आपके जीवन में। यीशु मसीह वो मिरेकल करेगा, अद्भुत चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिलाया, अंधों को दृष्टि दिया है, बूढ़े पाइजों को शुद्ध किया है, आश्चर्य काम करने वाला परमेश्वर यहोवा जुलावर है। मेरे प्रियजनों, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जलाली परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। ठीक है, उसके सामने आकाश पृथ्वी थरथराते हैं, काले पड़ जाते हैं। मेरे प्रियजनों, तो इन दुष्ट आत्माओं की, शैतान की क्या औकात है यीशु मसीह के सामने। मेरे प्रियजनों, बस हम सभी को अपने मुँह से बोलना है, शैतान को डांटना है, वो आपके जीवन से जाएगा, वो निकलेगा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं कांपती हैं, थरथराती हैं। मेरे प्रियजनों, मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह महान है, जो हम सभी के लिए कूड़े खाए, मार खाए, बेजती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, बेजती से यीशु मसीह ने उसके मुंह पर थूका गया, 39 कूड़े लगवाए गए, उसके कांटों को सिर के ऊपर कांटों का ताज पहनाया गया। मेरे प्रियजनों, उसको सिरका पिलाया गया, उसने हमारे कारण, पापों के कारण, मेरे प्रियजनों, उसने अपनी जान दे दी, कलवरी क्रूस पर चढ़ गया मेरे प्रियजनों, और हमारा परमेश्वर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। मेरे प्रियजनों, वह जीवित परमेश्वर है, हम सभी लोग जीवित परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम सभी लोग उसके जन हैं, वह हमारा पिता और हम सभी लोग उसके बच्चे हैं। मेरे प्रियजनों, ठीक है, यीशु मसीह ने कहा है, जो डाली मुझमें नहीं फलती है मैं उसको काट डालता हूँ, और जो फलती है मैं उसको और छाटता हूँ, ताकि वह और फले, और फल लाए। मेरे प्रियजनों,
यदि हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, यदि फल नहीं लाते हैं, यीशु मसीह की आज्ञाओं को नहीं मानते, पाप करते, व्यभिचार करते, गुनाह करते हैं, ठीक है, तो यीशु मसीह हम सभी को काट डालेगा। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, उससे प्रेम करेंगे, तो यीशु मसीह हम सभी को छाटेगा ताकि हम फल लाएँ और फल और आगे बढ़ते जाएँ यीशु मसीह के नाम में। ठीक है मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह आपकी गरीबी को दूर करेगा। यीशु मसीह महान है, दयालु है, ठीक है, आपके जीवन में स्वर्ग की आशीषें खुलेंगी और ब्लेसिंग खुलेगी, बंद दरवाजे आशीषों के आज खुलेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। ठीक है, इस प्रार्थना को विश्वास के साथ सुनेंगे, लास्ट में अमीन बोलकर रिसीव करेंगे मेरे प्रियजनों। ठीक है, प्रार्थना शुरू करने से पहले हम कुछ वचन से देखते हैं। ठीक है, परमेश्वर का वचन कहता है, जैसे यूहन्ना 8 अध्याय के 12 वचन में लिखा हुआ है, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा। यीशु मसीह ने कहा है, यशाया की पुस्तक में लिखा हुआ 54 अध्याय के 4 वचन में, मत डर क्योंकि तू फिर अपमानित ना होगा। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह वो ज्योति है, उजियाला है, जो यीशु मसीह के पीछे हो लेता है वो अंधकार में नहीं परंतु उसको जीवन की ज्योति मिलती है। ठीक है, यीशु मसीह से बताएंगे अपने आंसुओं को। चलिए प्रार्थना को शुरू करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति हो, आपके नाम की तारीफ हो, आपके नाम की जय जयकार करते मेरे पिता। मेरे प्रभु, आप महान हैं, आप दयालु हैं, आप करुणानिधि हैं, आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यौम, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता। इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो आपने मेरे पिता सभी को मेरे पिता जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, सुरक्षा, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते मेरे पिता। मेरे प्रभु, कितने मनुष्यों के पिता, अन्य जाति लोगों के पिता जो मर गए होंगे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, परिवार से बिछड़ गए होंगे पिता, वे कैसे स्थान पर चले गए होंगे पिता, जहाँ की आग नहीं बुझती, जाके कीड़े नहीं मरते मेरे स्वामी। मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी को संसार से चुना है पिता, इस संसार से चुन के अलग कर दिया है पिता, नाम लेके बुलाया है यीशु पापा, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने कहा है, मैं तुझे अंगूठी की तरह संभाल के रखूंगा यीशु पिता। आपने कहा है यीशु मसीह पिता, आप हमारे आंसू को जानते हैं, हमारी क्या इच्छाएँ, क्या जरूरतें हैं मेरे पिता, हम सभी मसीह भाई बहनों की इच्छाएँ जरूरतें पिता आप पूरा करें मेरे पिता। आप अनंत काल का जीवन दिया यीशु मसीह, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, जो सभी हम मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुनाह हुए हैं मेरे स्वामी, आप हम सभी के पापों को, आप हमारे पापों को, गुनाहों को क्षमा करें पिता, इन मसीह भाई बहनों के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करें पिता, क्षमा करें मेरे पिता। मेरे प्रभु, क्योंकि आपके पास अधिकार है मेरे पिता कि आप हम सभी के पापों को, गुनाहों को, धर्मों को क्षमा कर सकते हैं पिता, अपने लहू से शुद्ध करें पिता। आपका लहू बहुत ही कीमती मेरे स्वामी पिता। मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, उससे व्यभिचार हो सकता है, पाप में गिर सकते हैं पिता, बिखर सकते हैं पिता। परमेश्वर यीशु पिता, मेरे प्रभु, आप हम सभी के पापों को हिम किनारे उजला करें, शोध करें, अपने पापों से, गुनाहों से पश्चाताप करते हैं मेरे पिता। मेरे प्रभु, जितने लोग आपकी हुजूरी में घुटने टेक के बैठे हैं पवित्र आत्मा जी, हर एक जन को छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए पिता, उनके अधर्मों को ढाप दीजिए, पापों को क्षमा कर दीजिए, गुनाहों को ढाप दीजिए पिता। परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार पिता, हम सभी के पर अनुग्रह कर पिता, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पिता, हम सभी के अपराधों को मिटा डाल मेरे स्वामी। मेरे पिता, हम सभी के अपराधों को मिटा दीजिए मेरे स्वामी पिता, अपनी संतान होने का अधिकार दीजिए पिता। हम आपके बच्चे हैं, हमारे पिता हैं यीशु पिता, इसके लिए पिता आपका धन्यवाद करते हैं मेरे पिता। आपने हम सभी से इतना प्रेम किया पिता कि आपने अपना कीमती रक्त बहा दिया, कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती साथ, दुख साथ, दर्द साथ पिता। आपके मुँह पर थूका गया, 39 कोड़े लगवा गया, कांटों का ताज पिता, आपको आपके सिर के ऊपर रखा गया पिता, परमेश्वर यीशु पिता। मेरे प्रभु, और आप हमारे पापों के कारण, मानव जाति के पापों के कारण पिता, पापों का बोझ पिता अपने पर ले लियो, कलरी क्रूस पे चढ़ गए, बलिदान हो गए पिता, और आप मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे पिता। आप जीवित परमेश्वर पिता, आप जीवित परमेश्वर पिता, जिस प्रकार से पिता आप जीवित हुए पिता, उसी प्रकार से पिता आप हम सभी को जीवन दान देंगे पिता। आप जीवन दान देने लिए परमेश्वर है पिता, आप यहोवा जुलावर है मेरे पिता। मेरे प्रभु, आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी महिमा करते, आपकी जय जयकार करते हैं। यस, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र, 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 आप राजाओं की राजा हैं, आप प्रभु की प्रभु हैं, आप सेनाओं की यहोवा हैं, आप सृष्टिकर्ता मालिक हैं मेरे पिता। प्रार्थना करते पिता, जो इस वक्त इस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ सुन रहे हैं वो लास्ट में आमीन बोलकर रिसीव कर रहे हैं मेरे स्वामी। मेरे पिता, जो बीमार है पिता, जो बीमारी में ग्रस्त है पिता, जो तमाम इलाज दवाई करा चुके हैं मेरे पिता परमेश्वर यीशु पापा, फिर वे नहीं ठीक होते हैं, वे नहीं चंगे हो पा रहे हैं पिता। किसी को कैंसर, बुखार,
बुखार है, उल्टियाँ हैं, गिल्टियाँ हैं, पथरियाँ, रसोलियाँ, नाना प्रकार की और खतरनाक जानलेवा जान हमला करने वाली बीमारियाँ क्यों ना हो पिता, वे आपसे बड़ी कुछ नहीं मेरे पिता। पिता आप मेरी जिंदगी को छू लीजिए, ब्लेस कर दीजिए। यू टच मी पवित्र आत्मा जी, यू टच मी पवित्र आत्मा जी, टच मी होली स्पिरिट पवित्र आत्मा जी, छू लीजिए हर एक जन को, उनकी बीमारियां जाए यीशु मसीह के नाम से, वे चंगे होने पाए, हील होने पाए, फ्री होने पाए, आजाद होने पाए। होली गोस पार यीशु के नाम में, होली गोस पार यीशु मसीह के नाम से रसीव करो चंगा यामीन लोग यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आपसे नव की हम आप सृष्टि करता मालिक मेरे पिता, प्रार्थना करते मेरे पिता, उनके लिए प्रार्थना करते मेरे पिता, परमेश्वर यीशु पापा, जो गरीब है पिता, जो लाचार है पिता मेरे प्रभु, जो अपनी गरीबी को लेकर टूट चुके हैं पिता, जो 100-200 रुपये पर, 1000 रुपये पर पिता ये अन्य जातियों से उधार ले रहे, एक दूसरे से उधार ले रहे मेरे पिता, ये इधर उधर उधार ना लेने पाए मेरे प्रभु, ये शिवपापा सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे आए हैं मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे शमयेश राजा। मेरे पिता आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम ये दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोल दिए जाएंगे, आशीष के दरवाजे यीशु पापा आपके नाम से मांगते हैं, ढूंढते खटखटाते हैं, इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए पिता, इनके जीवन यीशु मसीह वो आशीष से खुल जाए पिता, वो बंद आशीष से खुल जाए पिता, आप स्वर्ग के झरोखे इनके घरों के पर खोल दीजिए पिता, ओपन द डोर, ओपन द डोर, बंद आशीषों के दरवाजे खुल जाए भी इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से पिता, बहुत तेरी जाति को उधार देने बन नहीं पाए, कि बहुत तेरी जाति को उधार देने बन जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आपसे नव युवा मेरे पिता, हम प्रार्थना करते हैं मेरे पिता, परमेश्वर यीशु पापा मेरे पिता, जिस प्रकार से मेरे पिता अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया था पिता, उसी प्रकार से पिता हम सभी मसीह भाई बहनों को पिता आप प्रार्थना करना सिखाइए पिता, किसी को प्रार्थना करना नहीं आता पिता, उसको आप प्रार्थना करना सिखाइए यीशु मसीह, जिस प्रकार से यीशु पापा आपने अपने चेलों को सिखाया था, उसी तरह से पिता इन मसीह भाई बहनों को भी सिखाइए पिता, और मुझे भी पिता प्रार्थना करना सिखाइए, ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। मेरे प्रभु का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह तुम्हारे हो जाएगा मेरे पिता, आपने कहा है मेरे पिता, इनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से आपके नाम से आदेश देते पिता, जो भी काला धरा के बंधन है, जो भी काला जादू टोना के बंधन है, हर एक गंदी आत्माओं के बंधन है, हर काला धरा के बंधन यीशु मसीह के नाम से वे टूट जाए पिता, वे विफल हो जाए, आउट हो जाए, खंडित हो जाए यीशु मसीह के नाम से, वे जल के राख हो जाए आपके सामर्थ्य नाम से, आपके सामर्थ्य नाम से पिता। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पवित्र 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 आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभु के प्रभु हैं, आप सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता मालिक मेरे पिता, मेरे प्रभु आप हम सभी के मांगने से पहले जानते हैं कि हम सभी को क्या चाहिए, क्या हो सकता है मेरे पिता, आप देने वाले परमेश्वर यहोवा जुलाओ, परमेश्वर मनो को जचने वाले परमेश्वर पिता, मेरे पिता आप सेनाओं के यहोवा सृष्टिकर्ता मालिक मेरे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक आपका धन्यवाद करते हैं पिता, आपने मुर्दों को जिलाया है, अंधों को दृष्टि दिया, कोढ़े पाजों को शुद्ध किया पिता, आपने बहरों को सुनने की सामर्थ्य दिया पिता, अंधों को दृष्टि दिया पिता, बहरों को सुनने की सामर्थ्य दिया पिता, गोंगों को बोलने की सामर्थ्य दिए प्रभु, आप यहोवा जुला आश्चर्य कार्य करने वाले परमेश्वर पिता, इसके लिए पिता यीशु पापा आपका धन्यवाद करते मेरे पिता, हम प्रार्थना करते पिता, जो रात में नहीं सो पाते, जिन्हें डर लगता, भय लगता, गंदे सपने ख्याल विचार रहते मेरे पिता, हम चाहते हैं यीशु पापा जब ये रात में सोए तब इन्हें सुख की नींद आने पाए, आपके लहू का बाड़ा उनके चारपाई के पास बांध देते यीशु मसीह के नाम से, आपके दूतों का बाड़ा बांध देते यीशु मसीह के नाम से मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। हालेलुया, पिता वचन की तरह पिता हर एक जन के साथ करें, मदद करें पिता, मुझे आशा विश्वास है सुपा अपने प्राणों को सुना है, ये छोटे से मिनट उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा, आमीन।